आवाज आएगी। दोस्तों एक सेकंड। नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत, और आज हमारे साथ काफी गेस्ट जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे फेसबुक लाइव के माध्यम से, क्योंकि आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस डिबेट के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ेंगे तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसे साक्ष्य भी पेश करने वाले हैं कि जिससे आपको लगेगा कि उत्तराखंड जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है उसमें कितनी गहराई है। क्योंकि हम लगातार देख रहे थे, जब UK SSC में घोटाले के मामले आ रहे थे, जो परीक्षाएं लीक हो रही थी, तो हमें लग रहा था कि शायद अब परीक्षाएं लीक नहीं होंगी तो UK SSC में शायद कुछ खामियां हैं, तो उसकी परीक्षा कराने का जिम्मा जो है UK PCS को दिया गया। लेकिन UK PCS तो उनसे भी दो कदम आगे निकले। पटवारी परीक्षा आपने देखी होगी कि किस प्रकार से लीक की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन अब जो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं और साथ ही साथ बॉबी पंवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जुड़े हैं, आपके सामने कुछ ऐसे साक्ष्य हम लोग पेश करेंगे जिससे आपको लगेगा कि UK PCS ने जो UK PSC लोअर जो परीक्षा करवाई थी उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही। बॉबी भाई बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ जो हमारे साथ दो स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, एक वुमेन स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट है, हम उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम सार्वजनिक हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, कुमार जी नाम से मैं आपको संबोधित करूंगा। जी कुमार जी, क्या कुछ है मामला? क्योंकि आपका फोन भी आया था और आप बता रहे थे कि बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर, जो UK PCS है, केवल एक पटवारी परीक्षा ही रद्द नहीं हुई, उस लीक नहीं हुई, इसके अलावा जो अभी लोअर PCS परीक्षा करवाई गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा आरोप हम लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा साक्ष्य भी है। क्या है पूरा कुमार जी? सर, ये बात शुरू होती है जब उत्तराखंड लोअर पीसीएस की परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 12 दिसंबर 2021 को, उसके बाद इसका जो परीक्षा फल आया था वो 24 फरवरी 2022 को इसका परीक्षा फल प्रकाशित किया गया। और इस परीक्षा परिणाम में जो विसंगतियां पाई गई वो पहले दिन से ही पाई गई कि अचानक से अब तक की उत्तराखंड की सबसे हाइएस्ट कट ऑफ जो कि 70% है, और वो भी एक ऐसी परीक्षा में जो कि ऋणात्मक पद्धति की परीक्षा है, उसमें 70% कट ऑफ अनारक्षित वर्ग की जाती है। और इसका अच्छा, मुख्य वजह बाद में पता चली कि कमीशन ने 12 प्रश्न हटा करके सभी विद्यार्थियों को मुफ्त की रेवड़ी की तरह 12 नंबर बोनस दे दिए। अब इस परीक्षा के ओके, विरुद्ध पहले तो आयोग में कुछ छात्रों ने प्रदर्शन किया, आयोग के सामने अपनी बात को रखी, सचिव जी के सामने स्टूडेंट्स के पैनल गया, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने उसमें अपना कोई भी अपना रवैया नहीं दिखाया, और उल्टा उन्होंने ये बोला कि आप 12 नंबर अतिरिक्त ले आते तो कुछ बातें अलग होती। अब इसकी बात को थोड़ा मैं बढ़ाते अच्छा हुए कहता हूँ कि आगे फिर क्या हुआ कि हमने उच्च न्यायालय में, फिर उसके बाद बच्चों ने उच्च न्यायालय में रिट लगाई, और उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत देते हुए 24 मार्च 2022 को मुख्य परीक्षा के लिए 57 बच्चों को शुरू में अंतरिम राहत दी। और उसी चीज चौबीस को मार्च दो हजार देखते बाईस हुए 22 को, 1 महीने बाद, ठीक और है। उसी चीज को देखते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा लगभग 1,000 से अधिक संख्या में बच्चों को अंतरिम राहत देते हुए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाना था, वो बस सम्मिलित किया अच्छा जाना था। लेकिन इसके बीच आयोग ने कुछ एक ऐसा काम किया जो उसकी नियमावली के बिल्कुल विरुद्ध है। आयोग ने परीक्षा नियमावली के अनुसार अगर कोई भी परीक्षा आयोग की है और अगर वो रिट के अधीन है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के रिट के अधीन है, तो जब तक उस पे फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक आप उसके 1 वर्ष तक उसकी OMR, उपस्थिति पत्र, मूल पत्र, कार्बन कॉपी, इन सबको आप संरक्षित रखेंगे। लेकिन आयोग ने 14 जुलाई 2022 को आयोग की सदस्य नंदी राजू श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी वेडिंग कमिटी के द्वारा क्रमांक नंबर 10 पर लोअर पीसीएस परीक्षा से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया, यानी जला दिया। यानी कि आपका जी कहने हाँ, का मतलब है, और थोड़ा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी समझाना जरूरी है कि उनको 24 वेडिंग फरवरी वर्ड समझ में 2022 नहीं को आएगा। रिजल्ट जी, उनको वेडिंग वर्ड रिजल्ट समझ आता में है नहीं आएगा। और वेड ये
जो है कुछ ना कुछ जब इसमें गड़बड़ी निकल आती है तो एक पैनल जो है स्टूडेंट का अध्यक्ष जी से मिलता है, और ये मामला उसके जी बाद जब अध्यक्ष जी इसको कुछ समझ नहीं पाते हैं तो उसके बाद ये मामला जो है उच्च न्यायालय में चले जाता है। उच्च लेकिन न्यायालय चला उससे जाता। पहले 14 जुलाई 2022 को सारे सबूत वो नष्ट कर दिए जाते हैं, या जो ओमर सीट हाँ है वो हटा दी जाती है। आपका कहने का मतलब ये है? जी, और इसमें जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया वो छात्रों के विरोध में आया जरूर, लेकिन वो निर्णय एकल पीठ का था और वो निर्णय आया 17 जुलाई को, यानी उच्च कुछ न्यायालय के नहीं कुछ भी निर्णय लेने से पहले आयोग ने अपना पूरा काम खत्म कर दिया था। आयोग ने पूरी अच्छा तरीके से दस्तावेजों को जला दिया। उसके बाद फिर छात्रों के द्वारा जो पहली रिट थी उसी पर छात्रों के द्वारा स्पेशल पिटीशन अपील दायर की गई डबल बेंच में, और डबल बेंच में ये अपील दायर की गई थी 1 अगस्त 2022 को। लेकिन उसमें भी छात्रों को कोई राहत नहीं मिल पाई, क्योंकि आयोग ने वहां पे केस को इस तरीके से लड़ा कि उनके कहने का मतलब बोनस दे दूं या डिलीट कर दूं हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पूरा मामला जो था ये यही है कि किस तरीके से इन्होंने एक समिति बनाई और कार्बन कॉपी को पहले ही डिलीट कर दिया, और जो भी ओएमआर कॉपी है या मूल उपस्थिति पत्र है वो सारे लोगों ने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। न्यायालय के सामने ये सब चीजें तो रखी होंगी ना कि उन्होंने पहले ही डिलीट कर दिया है सब चीजें, 1 साल से पहले ही डिलीट कर दिया है, हालांकि जो उसमें रिट है अभी चल उसमें रही है उस न्यायालय। उसमें उसमें एक लीगल पहलू उसमें हमेशा शामिल होता है कि अगर आप कभी भी अपने पुराने जजमेंट के हिसाब से, अगर आप पुराने निर्णय के ऊपर अगर आप अपील कर रहे होते हैं, तो आप उसमें कोई नया डॉक्यूमेंट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको उसी निर्णय से जाना अच्छा पड़ेगा जिस निर्णय के विरुद्ध आप, उसमें कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं ऐड कर पाएंगे, नया पॉइंट आप नहीं ऐड कर सकते हैं। तो केवल और केवल क्योंकि इसमें विकेश कुमार गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान वाला जो एक मैटर चलता है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि हम आयोग के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं देंगे। तो हम लोग भी वहां पे इसीलिए हम विफल हुए और हमें वहां पे कोई भी राहत नहीं मिली। लेकिन बात ये नहीं है कि हमें राहत मिली या नहीं मिली, बात है कि क्या आयोग अपनी नियमावली के विरुद्ध जाकर के ये सारी काम कर सकता है? क्या आयोग अपनी जो जब आयोग को बोला गया है कि आप 1 साल तक का पूरा आप पूरा इसका वेट करेंगे, उसके बाद ही आप दस्तावेजों को निरस्त करेंगे, और उसमें भी चतुराई की बात ये करी है आयोग ने, इसमें चतुराई की बात दिखाते हुए आयोग ने क्या करा है कि इसको क्रमांक नंबर 10 पे रखा है, और पहले आपको वो सारे 2017, 2018, 2019 के पेपर मिलेंगे, और 14 जुलाई 2022 के बाद इन्होंने, अब ये बात तो मैं लोअर पीसीएस की कह रहा हूं, उसके बाद अगला जो खेल जो इन्होंने दोबारा किया, क्योंकि इन्हें लगा कि बच्चों ने इस चीज को नहीं पकड़ा है, ना ही इस चीज पे बच्चे न्यायालय जा रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं, इन्होंने इसी खेल को यहाँ पे नहीं रुका, और ये खेल गया अपर पीसीएस के लिए। अपर पीसीएस की क्रोनोलॉजी को हर कोई बच्चा जानता है कि 4 बार रिजल्ट निकले हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि अब उस आपकी जो अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की जो ओएमआर सीट है अब वो नहीं रही, उसको भी इन्होंने जला दिया है 6 दिसंबर 2022 को। यहाँ तक कि अभी अच्छा तक वो वाली कोई भी भी जला वो भी तो की सदस्य नंदी राजू श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने वो जला दिया है, उसमें भी अनुभाग अधिकारी डॉक्टर मंजीत कुमार ही थे। तो सेम पैनल सेम काम और वही काम बिना नियम वही नियमों के विरुद्ध, ये उनकी उत्तराखंड परीक्षा नियमावली 2011 के हिसाब से क्रमांक नंबर 9 में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिट के अधीन आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये दोनों ही मामले ये बताते हैं कि हम तो यहाँ लेवल 5 पटवारी के परीक्षा पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो क्या लेवल 10 तक ये बिल्कुल इन सब चीजों को नहीं फैलाया जा सकता है? ये तो आयोग के अधिकारियों बिल्कुल आयोग के सदस्यों की संलिप्तता के बारे में पूरी तरीके से बातें उजागर कर रहा होता है। उसके बाद अभी थोड़ा जो मुख्य इसमें परीक्षा के जी एक टिप्पणी पहले वो भी प्रमाण से भी लेते हैं, वो भी बड़ा ही गंभीर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। अभी तक तो हम लेवल 5 की बात कर रहे थे जो एग्जाम हो रहे थे, लेकिन लेवल 10 के एग्जाम में भी ये सब चीजें हो रहा है। यूके जो यूके पीसीएस है अभी रीट जो है हाई उच्च न्यायालय में चल रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो डॉक्यूमेंट है जो ओएमआर सीट है उसको जलाने का, इतनी जल्दी किस बात की? क्या लगता है, पूरा प्रकरण आपने भी सुना, क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं देखिए विजय भाई, जिस प्रकार से यूकेएसएससी में जो घोटाला उजागर हुआ और उसकी जांच शुरू हुई, उसके बाद से हमारी सरकार ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और सारी भर्तियां जो यूके पीएससी को पकड़ा दी गई थी, हमने हमारे वर्ड उस समय के यही है कि हमने कहा था कि आप सारी परीक्षाओं का भार यूके पीएससी पर नहीं डाल सकते हैं,
और यूकेपीएससी पर देकर आप सारे भर्तियों का वो पल्ला नहीं झाड़ सकते वहां देकर, क्योंकि हमने उन्हें उस दौरान ही कहा था कि यूकेपीएससी में भी बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां हो रही है। अगर सुशासन होता, यदि वास्तव में हमारी सरकार यदि चाहती कि इन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तो ये उसका संज्ञान लेते, परंतु इन्होंने उसका भी संज्ञान नहीं लिया। अगर बात इतने से नहीं बनी तो हमने जो हमारे पास कुछ एविडेंस आए थे, आप निकली थी उस कॉपी में आपने देखा होगा कि 17-17 नंबर बच्चे को बाहर कर दिया गया है। ये मुख्य परीक्षा के कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ, और मुख्य परीक्षा की कॉपी की मैं बात कर रहा हूँ, और मुख्य परीक्षा का मतलब है कि आप अपर पीसीएस लोअर पीसीएस आप सब में ही फिर ऐसा करवा रहे हैं। आपके यहाँ एसडीएम से लेकर डीएसपी से लेकर सब इस तरीके से यदि चल रहा होगा तो बन रहे होंगे पैसे देकर, तो ये बड़ा सवाल बिल्कुल है। ये और तो मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि आयोग को जब बेरोजगार संघ ने ये उपलब्ध करवा दी थी चीजें, उसके बाद ना आयोग की कोई प्रतिक्रिया आई, ना इसका उन्होंने खंडन किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है। और जिस हिसाब से हमने अभी बातें सुनी और जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कि लोअर पीसीएस में जब परीक्षा हुई और जो आयोग की अपनी नियमावली है उसमें कोई भी जो इनकी परीक्षा होती है उनके जो सारे कागजात होते हैं, या ओएमआर सीटें या जो कार्बन कॉपी जो भी चीजें हैं उसको 1 साल तक वो नष्ट नहीं करेंगे, और जब मामला कोर्ट में विचाराधीन होगा तो उसे तब तक संभाल कर रखना है जब तक वो मामला वो फाइनल जजमेंट जब तक उस पर नहीं आ जाता। तो ये आयोग की नाकामी समझे या आयोग ने ये जानबूझकर किसी को बचाने के लिए ये जो कॉपियां जो नष्ट की है, क्या ये इसमें अगर आज चतुर्वेदी जेल के अंदर गया है तो आयोग के अंदर कितने ऐसे अनुभाग है और उन अनुभागों में कितने चतुर्वेदी बैठे हैं, और उसके अलावा जब ऐसे चतुर्वेदी ने इस प्रकार के घृणित कृत्य किए हैं और उनके ऊपर से वहां के सचिव की वहां के अध्यक्ष की ना हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि वहां के सचिव के पास हमने जो चीजें दी थी उस पर अगर वो चीजें हमारी गलत थी तो उस पर उनको खंडन करना चाहिए था, अगर सही थी तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये सब क्या क्या प्रोवाइड हुआ देखिए, क्या आपको हमने समझ। हमने उनके आगे जो चीजें रखी, हमने जो उनके पास साक्ष्य दिए, हमने 2015 प्रवक्ता के पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की कुछ चीजें रखी जिसमें आयोग की नियमावली कहती है कि एक सीट पर हम अगर एक सीट हुई तो हम 5 गुना लेंगे, और अगर सीटें 4 से 5 हो तो हम 4 गुना लेंगे, और अगर सीटें 5 से 10 तक हो 11 तक हो तो हम 4 गुना लेंगे, और 11 से अधिक सीटों पर वो 3 गुना लेंगे। तो एक सीट थी उसमें 5 लोगों को लेना चाहिए था, उसमें 2 बच्चों के सेम नंबर थे तो ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को ले सकते थे, परंतु उन्होंने 8 लोग लिए। 8 लोग सिर्फ इसलिए लिए कि 8वें का सिलेक्शन करवाना था, जबकि पहले और 8वें में जो रिटर्न जो मार्क्स है उनके उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस था, और इंटरव्यू में जाकर 8वें का सिलेक्शन करवाया, 8वें तक मेरिट डाउन करी। क्यों? हम जब बीच में आयोग गए हमने ए और जेई का वहां पर मुद्दा रखा, हमने कहा कि ए और जेई में हमें काफी संभावनाएं लग रही है कि उसमें धांधली हुई है, क्योंकि ए और जेई का जो पेपर वो बीडीओ बीपीडीओ से पहले का मामला है, तब चीजें इस प्रकार से प्रदेश में खुली नहीं थी। मामला बीडीओ बीपीडीओ चाहे यूकेएसएससी का हो या यूकेपीएससी का भी ए जेई का हो, पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो परीक्षाओं में जो जाल फैला हुआ था, और वो जाल जो फैला था वो मामले खुले नहीं थे। वीडियो के बाद मामले खुलने पर हमें जब शंका हुई कि ए जेई में भी इस प्रकार के जो चीजें हो सकती है, तो हमने उनके संज्ञान में ये डाला कि आपने ए जेई का जो रिजल्ट जारी किया है आप उसे कैंडिडेट्स के नेम के साथ, उनके फादर नेम के साथ उनकी कट ऑफ जारी करिए। आयोग की ये नाकामी कि आयोग ने कट ऑफ जारी नहीं करी है। आज भले ही 3200 लोगों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया है, परंतु उन 3200 लोगों को ये पता नहीं है कि मेरे नंबर कितने हैं या मेरे दोस्त के नंबर कितने हैं, क्या उसमें कितनी काली भेड़े बिल्कुल घुसी है। और ये एसटीएफ के उसमें भी जांच में आया कि ए का पेपर भी 50 लाख में बेचा गया। अगर ए का पेपर 50 लाख में बेचा जा रहा है तो पीसीएस का पेपर कितने बड़े लेवल पे बेचा जा रहा है, कितने बड़ी रकम के साथ बेचा जा रहा है। तो ये सारी जो कमियां थी ये हमने आयोग के सामने रखी, हमने आयोग के सामने वो मुख्य परीक्षा की कॉपी रखी जिसमें 17 नंबर काटकर बच्चे को बाहर किया है।
तो ये किसकी नाकामी थी? ये आयोग की नाकामी थी। अगर वो सही थे तो इस चीज का खंडन करते, अगर वास्तव में वैसी धांधली थी तो इस पर कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, परंतु इन्होंने नहीं। और अभी मैं बात बता दूं, ये पटवारी की बात नहीं है, बट वो क्या, अभी एसटीएफ का मैं एक बयान सुन रहा था, एसएसपी एसटीएफ का, कि वो जो चतुर्वेदी है उनको एक केवल एक परीक्षा का जिम्मा दिया गया था। कौन कहता है एक परीक्षा का जिम्मा दिया था? क्या इसका वो है, सच्चाई क्या है कि वास्तव में एक परीक्षा का? क्या इस गजब प्रकार से हुआ हम है, जान पाएंगे? ऐसा मैं पहली आपको बार बता नहीं देता है हूं, इससे जो पहले। अभी जो पीसीएस का सिलेबस जो आउट हुआ था, सिलेबस में कभी मोहर वगैरह लगा के आउट नहीं होता है, वो एक सिंपल पेज पे आयोग के एक लेटर हेड पे वो निकलता है और उस पे मोहर वगैरह नहीं होती, पर अंदर की जो गोपनीय चीजें वो भी बाहर आ गई है, उनमें भी उसकी मोहर, चतुर्वेदी की मोहरें हैं। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि पटवारी से पहले जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, उस पेपर में भी पेपर बाहर था। तो अगर चतुर्वेदी को पटवारी का जिम्मा सौंपा था, तो दूसरा चतुर्वेदी कौन है जिसने पुलिस कांस्टेबल का पेपर बाहर किया है? पुलिस कांस्टेबल का पेपर बाहर था, पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 9-9 लाख की बोलियां लगी है। और मैं ये कह देता हूं कि जो एक टीम आपने फॉरेस्ट गार्ड के टाइम जो एक्टिव थी, जिनको आपने फॉरेस्ट गार्ड के टाइम गिरफ्तार किया था और बाद में उनको मामले को रफा दफा किया, ऐसी टीमें पुलिस कांस्टेबल में सामने आई है, जिन्होंने कोचिंग संस्थानों के साथ साथ वहां पर हॉस्टल चलाए हैं और हॉस्टल में ही बच्चों को रखा है और उसके बाद वहां पर पुलिस के पेपर को खूब खरीद फरोख की है, तो ऐसे लोगों पर कौन कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, ये तो अपने आप में सुनने में बड़ा अचरज सा महसूस हो रहा है कि वाकई में हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं जो हम लोकतंत्र की हर बार दुहाई हम लोग देते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो लोकतंत्र कुछ रहा ही नहीं, सब अपने मनमाने ढंग से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक काम कीजिएगा, खुली बोली लगा लीजिएगा सीटों की, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जब लगातार इतनी शिकायतें आ रही हैं, जब लगातार खुलेआम इस प्रकार से मामला उच्च न्यायालय में है, रीट पे है, और आप ओएमआरसी चला, इतनी जल्दी किस बात की है भाई, इतनी जल्दी आखिर किस बात की है? क्या जनता इतनी बेवकूफ है जो समझ नहीं पा रही है? क्या स्टूडेंट इतने बेवकूफ है जो समझ नहीं पा रहे हैं इन सब चीजों को, जो आपका खेल अंदर ही अंदर चल रहा है? वाकई में जो उत्तराखंड में जो ये सब चीजें चल रही है ना, ये ना ही उत्तराखंड के भविष्य के लिए अच्छा है, ना ही पूरे देश के भविष्य के लिए अच्छा। जो वुमेन स्टूडेंट है उनके पास भी मैं आता हूँ, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन की मांग खूब चल रही थी। आपको क्या लगता है कि यूकेपीएससी 4 बार रिजल्ट रिवाइज कर चुकी है, तो आपको क्या लगता है महिलाओं का भविष्य जो है वो कितना सुरक्षित आप मानती है? मैं पहले सबको ये बताना चाहती हूँ कि आयोग ने जब पहला रिजल्ट जारी किया था 26 मई को सन 2022 में, तो केवल उत्तराखंड की जो महिला अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ 79.69 गई थी। जो उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थी थी उनकी कट ऑफ थी, और अन्य राज्य की महिलाएं जो थी वो जनरल कैटेगरी में आ रही थी। और आपको ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने महिलाओं के साथ कैसा मजाक किया, मतलब वुमन रिजर्वेशन का क्या मजाक बना रखा है, जो आज भी हमारी भोली जनता, हमारे भोली छात्र अभ्यर्थी समझ नहीं पा रही, उस चीज को ध्यान से सुने और समझे कि क्या किया जा रहा है शासन के द्वारा। आप ये देखिए कि पहला रिजल्ट 26 मई को आया था, उसके बाद तुरंत ही आयोग की गड़बड़ियां इतनी हैं कि पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले दिन प्रश्न पत्र पे सील नहीं लगी गई थी। इतनी बड़ी परीक्षा 5 साल बाद हो रही है, सील नहीं लगी। आप ये देख सकते हैं कि एक छोटे से पटवारी की परीक्षा में 2 सील लगी गई हैं, आप देखिए साक्ष्य को। और आपकी जो अपर पीसीएस की परीक्षा, उसमें सील नहीं लगी है, कोई भी पन्नी फाड़ के आप उसको चिपका के पेपर लीक हो सकता है। ठीक, अब आप ये देखिए बिल्कुल कि पहले प्रश्न पत्र में, मतलब जो पहला रिजल्ट 26 मई को आया उसमें 79 कट ऑफ गई, उसके बाद आयोग की गड़बड़ियां देखिए। सेट ए और डी में एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग दिए गए थे, जिसकी वजह से 600 अभ्यर्थी आयोग ने अंदर ले लिए। क्या इसकी वजह से जो योग्य अभ्यर्थी थे वो बाहर नहीं बैठे? ठीक है, और इस खबर को जब मीडिया या द्वारा प्रकाशित किया गया, तो आयोग ने अपनी गलती सुधारते हुए 30 मई को फिर रिजल्ट रिवाइज किया गया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये रिजल्ट आ जाता है और परीक्षा इसकी निर्धारित हो जाती है 20 अगस्त को, तो अन्य राज्य की महिलाएं भी कोर्ट में केस कर देती हैं कि जब वुमेन रिजर्वेशन मिल रहा है तो हम भी वुमेन है, हमें भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो पवित्रा चौहान और अनन्या अत्री का एक मामला हाईकोर्ट में चलता है
और उसमें हाई कोर्ट का जो आदेश आता है कि शासन द्वारा 2002 का महिला आरक्षण विधेयक जो ऑर्डर था वो क्वेश हो जाता है, यानी कि निरस्त कर दिया जाता है। अब जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो यूपी की हो, बिहार की हो, सब महिला अभ्यर्थी मानी जाएगी। तो यहाँ से ही हमारी उत्तराखंड की महिलाएं जो है भविष्य के गर्त में चली गई हैं, वो ये समझिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि आयोग की गड़बड़ी पहली तो पकड़ी गई कि प्रश्न पत्र में सील नहीं थी। दूसरी गड़बड़ी कि आपको पता था, ये आपकी मैनुअल मिस्टेक है कि आप सेट ए और डी गलती कैसे कर देते हैं। तीसरी गलती देखिए, आपने अपने ही जो हमारा कहते हैं गजट, उसमें साफ लिखा है कि उत्तराखंड नाम परिवर्तन कब है, आप अपने ही सेट के पुराने आंसर्स को गलत कर देते हैं। इसके लिए कोर्ट गया, कोर्ट एक केस गया था 2006 वाले प्रश्न को लेके, जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो आंसर है सेट डी की 2006 में नाम परिवर्तन विधेयक आया है वो सही है, जिसको हाईकोर्ट ने सही माना। और उसके बाद आयोग ने इसको फिर करेक्शन करके फिर से एक रिजल्ट रिवाइज किया। अब उसमें उन्होंने बोला था कि रिजल्ट आपको रिवाइज करना है, और इसमें आयोग ने बड़ी ही शातिर तरीके से नए बच्चे जोड़ लिए, पुराने बच्चे कुछ नहीं हटाए। क्यों? क्योंकि आपकी ओएमआर शीट वेडिंग हो चुकी थी, वेडिंग हो चुकी थी। जब आपकी ओएमआर शीट ही नहीं रहेगी, आप किस आधार पे वेडिंग का देखेंगे मतलब कि किस नष्ट बच्चे? हो चुकी थी पूरी। जी, पूरी नष्ट कर दी है। तो जब वो नष्ट हो गई, तो आप किस आधार पे देखेंगे कि किस बच्चे का आंसर 2006 है, किस बच्चे का आंसर 2006 है, या 2007 है, या 99 अब है? तो ये आप किसी को अंदर लाने के लिए बड़ी चालाकी से गेम खेल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सत्यदेव त्यागी की पीआईएल लगती है, जिसमें कहा जाता है कि सारी महिलाएं को आरक्षण लंबवत ना देकर सिर्फ महिला अभ्यर्थी माना जाए, अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी सभी महिलाओं को सिर्फ महिला अभ्यर्थी माना जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि आयोग फिर एक रिजल्ट निकालता है 19 अक्टूबर को, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो रिजल्ट पेपर की डेट आई थी उससे 28 दिन पहले एक रिजल्ट और निकालता है, कट ऑफ डाउन करके 71 कर देता है। अर्थात अब अन्य राज्य उत्तराखंड की महिलाएं सबकी कट ऑफ 71 चली गई, यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा सारी महिलाएं जो 71 नंबर लेके आई थी वो इस पेपर को दे सकती हैं, उत्तराखंड की महिलाएं ये पेपर दे सकती हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एसएलपी की मांग उठी और सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। वहां पर सिर्फ इतना हुआ कि ये जो ऑर्डर हमारा क्वैश हुआ है ये वापस सस्टेन करेगा। तो सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि हम आपके प्रति सजग हैं, आप सत्र में आप लेके आए महिला आरक्षण विधेयक, आप उसको देखिए, महिला आरक्षण विधेयक ये देखिए इसमें क्या लिखा है। ठीक है, मैं इसको पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे साथी गण जो हैं, अभ्यर्थी गण, छात्राएं, वो जरा से ध्यान से देखें, और पुरुष भी, कि कैसा मजाक किया जा रहा है। इसमें लिखा है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू केस इन विच द सेक्शन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अर्थात इस अधिनियम के प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जिसमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के शुरू होने से पहले की गई है, यानी कि ये अधिनियम जब गवर्नर सर साइन करेंगे तब से लागू होगा। उससे पहले जितनी परीक्षाएं हैं, पटवारी की, पुलिस की, एफआरओ की, लोअर पीसेस, अपर पीसेस, उस सब पे ये आरक्षण नहीं बचा पाएगा आपको। आज ये महिलाएं सब सुन लें कि ये आरक्षण आपको नहीं बचा पा रहा है, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो या हाई कोर्ट में कुछ हो, जब तक हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी आप नहीं बच पाएंगे। इसमें साफ लिखा है कि जिस दिन हमारे राज्यपाल महोदय ने अभी जो साइन किए हैं इस पे, सर ने 8 या 9 जनवरी को जब ये मांग उठी थी कि क्या मुख्य परीक्षा फिर से स्थगित कर दी जाए क्योंकि महिला असुरक्षित है, महिलाओं को अभी भी डर है कि वो अंदर है या बाहर है, तो इसलिए इसमें साइन किया गया। महिलाओं को ये लगता है, आज को मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा इतना सारा सब हमें पता चल पा रहा है कि आयोग में इतनी गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, ये सब सोशल मीडिया की देन है। हम लोग एकजुट हैं तो इस सोशल मीडिया की वजह से, और आज यही सोशल मीडिया सभी छात्रों के मन मन में भय पैदा कर रहा है। पूछे कैसे, महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण अभी सुरक्षित नहीं है, और महिलाएं सोचती हैं
उनके अंदर ये प्रश्न आते हैं कुछ टेलीग्राम में ग्रुप में कि क्या हमारी मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक हो पाएगी, क्या मुझे मुख्य परीक्षा में बैठने की परमिशन मिलेगी। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं मुख्य परीक्षा दे रही हूँ, परिवार को बताऊंगी कि मैंने मेंस दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं मुख्य में आ गई हूँ तो मैं ही एसडीएम बन गई हूँ। लेकिन आप सबको इस भावना से ऊपर उठना पड़ेगा, सिर्फ अपने नहीं इस पूरे राज्य की महिलाओं के बारे में भी सोचिए और हमको एकजुट होना पड़ेगा। और अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आरक्षण पूरा सुरक्षित नहीं है, पूरा सुरक्षित नहीं है। और आयोग ये बताने में असमर्थ है बच्चों को कि क्या वो मुख्य परीक्षा के बाद इन कि क्या आयोग सारी महिलाओं को मुख्य परीक्षा के बाद बाहर बैठा देगा, तो ये भी अभी शक के घेरे में है। ये वाकई वाकई में बड़ी बात है जो हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि जो रिजर्वेशन मिलेगा इसकी तो आपने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी कि अभी सुरक्षित मानिएगा अपने भविष्य को। नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं कुमार जी है। मैं जो भी महिला अभ्यर्थी जी जी है, आप चाहे बोलिए। वो, हाँ जी आप बोलिए बोलिए बोलिएगा बोलिए। अच्छा, मैं कह रही हूं कि जो भी महिला अभ्यर्थी है, जो भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं, चाहे वो दिल्ली में है, कहीं भी है, वो उनको लग रहा है कि वो मुख्य परीक्षा में दे रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और वो इस पेपर को सिर्फ इसलिए देके खुश ना हो कि वो पेपर मेंस दे रही हैं, ऐसे बहुत पेपर आते हैं। ये समय आ चुका है, आज बॉबी भाई ने इस मुहिम को शुरुआत की है, ये समय आ चुका है कि हमारा आयोग में सुधार होना चाहिए। आप ये देखिए, दिन प्रतिदिन आयोग और यूपीएससी के साथ क्लैश होता है, तो क्या आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना कैलेंडर यूपीएससी के साथ मैच किया जाए। अभी मैं आपको ये जानकारी दे देती हूँ कि 30 तारीख से यूपीएससी के इंटरव्यू हैं और तो एक 28 तारीख से। एक चीज और भी मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। जो यूकेपीएससी है क्या यूपीएससी के साथ जब इस समय एग्जाम निकालते हैं तो अपना कैलेंडर ये मैच करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं यही आपको ध्यान देना चाहती हूँ कि 28 तारीख से हमारी परीक्षाएं हैं यूपीपीएससी, मतलब यूकेपीएससी मेंस की, और 30 तारीख से अब यूपीएससी के इंटरव्यू हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कुमार जी? जी कुमार सर, जी आप बात बताइए। यह है कि जी, इसमें सबसे पहली बात तो मैम मैम की पहली बात को मैं बुनियादी ढांचा दे देता हूँ और लोगों की आंखों से भी एक पट्टी हटा देता हूँ जो है सील की पट्टी। ये सील देखिए, ये सील आपका, ये 2023 का जो अभी पेपर पटवारी का हुआ है वो पेपर की प्रति है, मेरे पास सील लगा है उस पे। ये लीक हुआ है, सील वाला पेपर भी लीक हुआ है। ये लोअर पीसीएस का पेपर है 2021 का, सील लगा हुआ है। ये एसीएफ का पेपर है 2019 का, सील लगा हुआ है। ये तीन पेपर ये है, ये चौथा पेपर है अपर पीसीएस का, देखिए इसमें कोई सील नहीं है, आगे पीछे देख लीजिए कहीं पे कोई सील नहीं है। पहले दिन से देखिए हम आप पहले संगति। दिन से ही ये सील नहीं है, बच्चों ने इस मांग को रखा लेकिन मांग दबा दी गई, मांग को करने ही नहीं दिया गया। बच्चों ने अपने पत्रों के माध्यम से आयोग को संदेह में इसके बारे में संदर्भ में बताया लेकिन आयोग ने कोई भी पल्ला नहीं झाड़ा। आयोग को लगता है कि वो पॉलिथीन में अगर वो पैक कर देते हैं तो ये सील्ड हो जाता है। क्या ये सील्ड पेपर है? क्या इस पे कहीं पे भी कोई सील लगी हुई है? जब हमारे लेवल 5 के पेपर सील्ड पेपर पटवारी के लीक हो सकते हैं तो क्या कोई लेवल 10 की पेपर को लीक नहीं कर सकता? पहली बात ये। दूसरा जो संदर्भ है वो ये है कि लीक का जो हम देख रहे हैं वो ये है कि हमारे उत्तराखंड अपर पीसीएस की मुख्य परीक्षा जो कि मुझे भी देनी है, उत्तराखंड अपर पीसीएस जो कि अभी 28 तारीख से होनी है, उसके 13 जनवरी से एडमिट कार्ड रिलीज होने थे, बट कुछ लोगों की संलिप्तता कहें या कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता कहें, 12 जनवरी को जब जैसे ही ये पटवारी के लीक की बात आई थी उससे पहले ही 10 बजे तक का आयोग के साइट में आए बिना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे सर्कुलेट होने लग गया। वो अगर प्रवेश गजब। पत्र का लिंक जो कि गोपन विभाग से आता है अगर वो सर्कुलेट हो सकता है तो क्या प्रश्न पत्र सर्कुलेट नहीं हो सकता? जो प्रश्न पत्र की 20 अगस्त के लिए ही बन गया था, जो मुख्य परीक्षा सबसे पहले 20 अगस्त को होनी थी, फिर उसको अक्टूबर में टाला गया, नवंबर में टाला गया, अब जनवरी में टाला जा रहा है और पेपर वही है, क्या 6 महीने में वो पेपर न्यूज़पेपर नहीं बन गया होगा? मेरी ये बात है, ये ऐसे पेपरों को हमें देने का क्या फायदा? बस हम ये तमगा लेकर के जाएं कि हमें मुख्य परीक्षा देनी है, क्या बस मुख्य परीक्षा देना ही हमारा संदर्भ है या चयनित होना है? और वो भी एक ऐसी परीक्षा जो कि उत्तराखंड जैसे छोटे 13 जिलों के स्टेट में 6 साल के बाद आ रही है, 6 सालों के बाद ये विज्ञप्ति आई है और उसमें इतनी बड़ी धांधलियां,
दर पर दर, जहां पे ओएमआर डिलीट हो जाती है, एडमिट कार्ड पहले ही लीक हो जाता है, बाकी सारे एग्जाम जो कि यूकेपीएससी को दिए गए थे कि वो अच्छे से कराएंगे, वो पहले ही अपने पहले ही दो एग्जाम से फेल हो चुके हैं, तो हम अपने आप को ये कैसे महसूस करें? हम तो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मेरी अब आगे सभी क्या छात्रों क्या से ये कुछ विनती, करने वाले हैं आप? क्या एग्जाम जो आप बता रहे हैं तमाम ये सब चीजें पहले ही ओएमआर सीट जो है वो हटा दी गई या उसको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया तमाम बाकी दस्तावेज, तो आगे और क्या कुछ करने वाले हैं आप इसमें? क्या इसको एग्जाम को कैंसिल कराने की मांग करेंगे या जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले कि एसटीएफ सबसे पहले यूकेपीएससी की शुचिता को बनाए रखने के लिए लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और पटवारी से पहले पिछले 2 सालों के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनकी पहले सघनता से जांच करे। ओएमआर पत्र क्यों नष्ट किए गए? क्योंकि जो जो ओएमआर 14 जुलाई को नष्ट किया गया सबसे पहले लोअर किया गया, 14 जुलाई से दिसंबर के बीच में उन उन एग्जाम्स के ओएमआर हुए हैं जो कि एग्जाम बहुत पहले हो चुके हैं, यानी 2014 में, 2015 में। तो आयोग को इतना जल्दी क्या थी कि 2021-22 के एग्जाम को इतने जल्दी आपको ओएमआर डिलीट करना है? आपको अगर करना है तो आप क्रोनोलॉजी से करिए, आप पूरे क्रम में चलिए, लेकिन आपको पहले 2021 का डिलीट कर लेना है, फिर जाके आप 14-15 करेंगे। तो ये कैसी रणनीति अपनाई है आयोग ने? तो पहले हम चाहते थे कि एसटीएफ इसकी पूरी तरीके से सघनता से जांच करे, जब तक कि परीक्षाओं की शुचिता स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक छात्रों को न मुख्य परीक्षा देनी पड़े न ही आगे की कोई और परीक्षा की कार्यवाही हो। भले ही इन्होंने पटवारी की परीक्षा भी 12 फरवरी से बोली है, ऐसी परीक्षा को देने का कोई फायदा नहीं है जिसमें कि अभी तक का हमें पता चल रहा है कि आयोग के अधिकारियों की संलिप्तता है। और मेरा आयोग के आपके चैनल के माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री और बाकी चेयरमैन से भी करबद्ध निवेदन है कि ऐसे आयोग के जो अधिकारी जो अलग अलग अनुभागों में हैं कृपया इनका स्थानांतरण करके नए कर्मचारियों को ला करके ही आगे की सुचिता को स्पष्ट किया जाए, जिससे कि हमें आयोग पे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पे भरोसा हो पाए। नहीं तो बस ये पेपर देना एक प्राथमिकता है, हम बस पेपर दे और रिजल्ट किसी और का निकल रहा हो। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि कई लोग, क्योंकि हम लोग लाइव में हैं, कई लोग ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई पहले पेपर होने दिया जाए। भाई पेपर होके भी आप क्या करेंगे? जो लगातार खबरें आ रही है, जो आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, अगर आपने एग्जाम दे भी दिए तो उस एग्जाम का फायदा क्या होगा? जब तक हम ढांचे को ही सही नहीं करेंगे, जो ढांचा बिल्कुल सड़ गल गया है, तो उसके बाद आखिर और क्या कुछ होने वाला है? एक कुछ सवाल और भी आ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा कुमार साहब, जिसमें एक व्यक्ति लिख रहे हैं आशीष दसमाना जी की, मेरा एक सवाल है कि पेपर के अंदर ओएमआर क्यों आ रही है? ऐसा भी हो सकता है कि सील करने से पहले ही आंसर टिक करके भेज दें, कृपया पूछे, आपका क्या है, सुझाव दे रहे हैं इसमें? सर ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो अपर की इस बार की जो एमआर जो ये कॉपी आई है इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे कोई सील नहीं है, इसमें कोई सील नहीं है। मतलब अगर इसके अंदर ओएमआर आ भी रही है तो हम कुछ नहीं जानते, वो क्या पता बिंदु बिंदु की तरीके से उन्होंने पहले से ही लगा करके फिक्स करा होगा, तभी तो ये इसमें कोई सील नहीं है। और अगर सील है तो क्या पता इसमें पहले से ही ओएमआर करके इसको नंबर के एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर इन्होंने डाल दिया हो, इसीलिए सब में सील नहीं है। तो कुछ तो इसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी इसमें अवश्य है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना ठीक है, आज ठीक, ओएमआर और भी पत्र सवाल को आते जला हैं, सबसे जल्दी जल्दी जलाने इनसे की जरूरत कॉल है। के माध्यम से जुड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। बोई भाई आपको आवाज आ रही है, आपका नेटवर्क कट गया था इस वजह से। अच्छा, क्योंकि आप अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आपसे कॉल के माध्यम से ही जानना चाहेंगे। अभी आपने सभी जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनकी बात आपने सुनी है, एक कोचिंग संस्थानों की भूमिका भी इसमें बड़ी संदेहात्मक है कि कैसे टेलीग्राम से पेपर लीक हो रहा है। और दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि एक तरफ नकल विरोधी कानून की शुरू से ही बात चल रही है, आपने भी कई बार अपने इसमें रखा है, सीएम के सामने भी रखा है, जब सचिवालय कूच किया था उसमें भी ये सब चीजें थी, लेकिन अभी तक धर्मांतरण वाला कानून बन जाता है लेकिन जो नकल विरोधी कानून है वो नहीं बन पाता। लास्ट जाते जाते क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? यही उत्तराखंड का कि जो वास्तविक में होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। अगर परीक्षाओं में इतनी बड़ी मात्रा में सेंधमारी हो रही है तो उससे नकल रोधी कानून एक पहले सबसे पहले लाना चाहिए था, इनको तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको करना चाहिए था। आपने विधानसभा सत्र में भी इस कानून को नहीं लाए, आप करना क्या चाह रहे हो?
आप ये देखिए कि जिस प्रकार से चीजें सामने आई थी, हमने अपने स्तर पर इन चीजों को करा था। उसके बाद जब हमें लगा कि नहीं, हमसे ये बात नहीं बन पा रही, तो हमें कोई उचित माध्यम चाहिए इस बात को रखने के लिए, तो हमने रिक्वेस्ट करके आप उपनेता प्रशिक्षक भुवन कापड़ी जी को विधानसभा सत्र में ये चीजें दी थी कि आप अपने स्तर से इसको विधानसभा में उठाइए, और उन्होंने बखूबी उठाया भी। बिल्कुल, परंतु सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि विधानसभा सत्र के अंदर कोई बात यदि रख रहा है और साक्षियों के साथ यदि कोई बात रख रहा है तो उस बात का कोई औचित्य होगा और उस बात पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें आ रही है प्रदेश के लाखों युवाओं से, युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये तो शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, तमाम उन मंत्रियों को जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए थे, तमाम उन विधायकों को जो विधानसभा के अंदर बैठे थे और वहां पर जो ये चीजें सामने आई थी और उस पर गौर नहीं किया गया। बिल्कुल, ये तो वाकई में शर्म वाली बात है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण वाला कानून सबसे पहले बन जाता है। इनके लिए बहुत धर्म सबसे पहले जरूरी है, धर्म बचाना पहले जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट का जो भविष्य है अभी अदर में लटका हुआ है, जो लगातार स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, बड़ी बड़ी बोलियां इसकी लग रही है। इसके ऊपर कोई भी नकल विरोधी कानून की एक भी विधायक ढंग से कोई बात नहीं करने को तैयार। ये वाकई में बहुत बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। जो और अगर संज्ञान नहीं लिया है विधानसभा में उठने के बाद सरकार ने, सरकार के विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये लोग खुद लोक सेवा आयोग से मिले हुए हैं और लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो प्रशासनिक ढांचा चल रहा है, जो प्रशासन में जो यहाँ से SDM DSP वगैरह जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये टारगेट हो सकता है सरकार की, हमारे लोग हर विभाग में जाए। ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जब संज्ञान लेना चाहिए था तब इस मुद्दे का संज्ञान नहीं लिया, और आज इतनी बड़ी जो घटना हुई है UKSSC में, उस घटना पर जो कार्रवाई चल रही थी और उस कार्रवाई के दौरान ही, आप देखिए भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, उस कार्रवाई के दौरान ही लोक सेवा आयोग से ये चीजें सब सामने आई है। और मैं बता दूं, पुलिस कांस्टेबल का पेपर बाहर आया था, अब हमें SKF बताए कि कहाँ कहाँ किस किस लोगों ने वो पेपर खरीदा था, क्योंकि इसमें उन लोगों की संलिप्तता भी पाई जा रही है जो लोग इन्होंने पहले छोड़े थे फॉरेस्ट गार्ड के टाइम। अब तो मुझे ये लगता है कि शायद SDF से भी बढ़कर अब CBI की मांग इसमें करनी चाहिए। उसके बाद तुरंत 15 दिन बाद दूसरा पेपर पटवारी का होता है और पटवारी का पेपर बाहर आ जाता है। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी घटना है, और क्या गारंटी है कि 22 तारीख को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन बैंक बाहर नहीं आया होगा। अगर पटवारी में चतुर्वेदी था तो पुलिस में कौन सा चतुर्वेदी था, बिल्कुल, या फिर 22 तारीख को कौन सा वाला था, ये चीजें देखनी होगी। ये और जो PCS का है, आपने घटना देख ली है, मैंने अभ्यर्थियों की ये जो पीड़ा सुनी, इससे मुझे समझ आता कि वास्तव में ऐसी क्या चीजें थी उस OMR में जो इनको साल नहीं बीतने दिया और उसको चला दिया। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो मामला चल रहा था, उस मामले का फाइनल जजमेंट नहीं आया, आपने उससे पहले उन चीजों को नष्ट कर दिया। तो ऐसी क्या, किसको बचाने की कोशिश हो रही है, किस बड़े अधिकारी को बचाने की कोशिश हो रही है, किस बड़े नेता को बचाने की कोशिश, ये बड़े सवाल आज प्रदेश की जनता के सामने हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सब पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरीके से ईमानदारी से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये अब रुकने वाली चीजें नहीं है। अगर सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई, लॉलीपॉप आपका ये लॉलीपॉप भी तो दिया जा रहा है कि न्यू वैकेंसी आ रही है, स्टूडेंट को जो है वो डिवाइड डिवाइड करके उनको डाइवर्ट किया जाए। अगर अगर हालात ये रहे तो न्यू वैकेंसी का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। हम कहते हैं वैकेंसी 100 हो 50 हो 150 हो, पर वैकेंसी उन 100 150 में ऐसे लोग चयन होकर विभागों के अंदर जाए जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है, जो वास्तव में योग्य है। ऐसा नहीं है कि तुम ऐप के माध्यम से वो पेपर आउट करवा रहे हैं, टेलीग्राम के माध्यम से पेपर आउट करवा रहे हैं, और आज भी ऐसी परिस्थिति में आप 15-15 लाख 18-18 लाख लेकर आप सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार, हम 10 दिन से मुख्यमंत्री से टाइम मांग रहे हैं पर टाइम नहीं दे रहे हैं, हम इस पर गंभीरता से सरकार से बात करना चाहते हैं, और सरकार SKF आयोग को हमसे जो भी मदद चाहिए, हमारे पास जितनी भी जानकारियां हैं, हम जितना भी जानते हैं, या हमारे पास जो चीजें हैं, हम पूरी तरीके से इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं।
इसलिए तैयार है कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक पारदर्शी सिस्टम बने, जिसकी लड़ाई हम लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार हमसे वार्ता नहीं करती है या सरकार इसका संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो ये उत्तराखंड सरकार तैयार रहे और ये जन फैलाव सड़कों पर होगा बिल्कुल। और उसके बाद जिम्मेदारी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी बिल्कुल। और जो संजीव चतुर्वेदी का जो नाम बार बार आ रहा है, तो होना हो वो और भी बड़े और भी पेपरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुराना एम्प्लॉय भी रह चुका है वहां का। आपको इस बात का भी संदेह है? और संजीव चतुर्वेदी के साथ अंदर कौन कौन और लोग मिले हुए हैं इस पर भी संदेह है, जिसका पूरा परिवार इस उसमें लगा हो। उसकी पत्नी का आप देख ले, उसकी पत्नी गिरफ्तार है, उसकी पत्नी पैसे लेकर किचन में पैसे 6-6 लाख रुपए किचन में रख दे रही है, लोगों को तिजोरी में 6,000 नहीं होते, वो किचन में 6 लाख रख रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि यूकेएसएससी का जो मामला आया था उसमें जो फोर्थ क्लास एक कर्मचारी था उसने अपने जैकेट के अंदर जो पेपर बाहर छुपा कर लाया था, तो वो तो कोई गोपनीय अधिकारी नहीं था, परंतु चलो चतुर्वेदी गोपनीय अधिकारी था, पर गोपनीय अधिकारी की और कितने अंदर गोपनीय अधिकारी गए जिनका इनके साठ गांठ है और ये हर पेपर बाहर करवा रहे हैं। दूध की रखवाली के लिए बिल्कुल बिल्ली को ही बैठा दिया गया ऐसा प्रतीत होता है, हर जगह भ्रष्टाचार घुस पड़ा है उधर। लेकिन जाते जाते बोई भाई, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जो अभी हमारे साथ स्टूडेंट भी जुड़े हैं, बड़ी कसमा कसम है, आगे क्या कुछ किया जाए, क्योंकि आप बेरोजगार संघ को रिप्रेजेंट करते हो, आगे क्या कुछ किया जाए इनके द्वारा, या कि क्या कुछ आप लोग इसमें करने वाले हैं? सरकार को एसटीएफ को ये चाहिए कि वहां पर एक बार अच्छी तरह जांच हो, कितने 5 या 6 अनुभाग वहां पर है, उन अनुभागों की जांच हो, क्या चतुर्वेदी जैसे और कितने लोग वहां पर बैठे हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच हो, इनके संपत्तियों की जांच हो, संपत्तियां अर्जित की गई है, और भी चीजें बहुत सी है, हम सोमवार को एसटीएफ को देने वाले हैं, बहुत सी चीजें हमारे पास आई है और वो हम सब देंगे। और जब ये चीजें चल रही थी तो सचिव और अध्यक्ष कर क्या रहे थे, सचिव और अध्यक्ष की कार्रवाई नहीं करी, क्या सचिव और अध्यक्ष की भी संलिप्तता है, ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो सरकार ये समझे कि हम सड़कों पर सैलाब लेकर आएंगे और ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड के भविष्य से जुड़ा, सरकार पे भरोसा है अभी भी आपको बोई भाई? देखिए भरोसा क्या करना है, भरोसा तो अब करना ही पड़ेगा किसी ना किसी पे, पर भरोसा कब हम कर पाएंगे, जब हम जो चीजें देंगे, जो हमारे पास पुख्ता जानकारी है उसके हिसाब से वहां पर हमें परिणाम मिले तो उस हिसाब से भरोसा किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा क्या भरोसा करें फिर किसी का। सीबीआई की मांग भी लगातार आ रही है कि जितने भी एग्जाम में सब चीजें धांधली सामने पे आ रही है, उसमें सीबीआई जांच सभी को दे दी जाए, बिल्कुल कर दी जाए, सीबीआई जांच कर दी जाए, परंतु सीबीआई कहाँ आती है, बीजेपी शासित प्रदेशों में सीबीआई कहाँ आ रही है, सीबीआई पश्चिम बंगाल में जाएगी, सीबीआई नहीं, जमीन घोटाले पे तो आ जाती है, मैंने देखा है कि जमीन घोटाले में एक छोटा सा आ जाती है, जहाँ पर सरकार के खुद के लोग संलिप्त ना हो वहां पर सीबीआई आ जाएगी, परंतु जहां पर सरकार के अपने लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी वहां पर सीबीआई का जो जांच समितियां दूसरी भी हो प्रदेश स्तरीय जो जांच समितियां होती है उनकी जांचें भी ठप पड़ जाती है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल, और सरकार की जो साख है उस पर भी एक बहुत बड़ा ठप्पा लग चुका है, लेकिन अब सरकार को ये भी करना चाहिए कि गोपन जो यूके पीएससी के जितने भी गोपन में जितने भी अधिकारी थे उन सभी की भी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि केवल एक से काम नहीं चल। जी, जांच करवाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये कब तक होते रहेंगे, इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं कि एक बार ढंग से जांच हो जाए, अगर 2-3 महीना पेपर पीछे होते हैं, 2-3 महीने का बेरोजगार को इंतजार करना पड़ता है, तो बेरोजगार इंतजार कर लेगा, परंतु ये हर समय हर बार हर दिन ये पेपर लीक की घटनाएं, ये बेरोजगार ठहरने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे स्टूडेंट टूट भी गया है, क्योंकि कई बार जब हम इंटरव्यू लेते हैं ऐसे गरीब परिवार से भी आते हैं, सुदूर इलाकों से, जिनकी खुद की महीने की आमदनी 5,000 रुपए होती है, उनके माँ बाप ना जाने किस तरीके से उन्हें देहरादून जैसे सिटियों में भेजते हैं, वहां वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि परीक्षा में ये सब चीजें हो गए। नहीं उत्तराखंड के लिए अच्छा है, नहीं देश के लिए अच्छा है, नहीं लोकतंत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जब इसी ही तरीके धांधली से बड़े बड़े अधिकारी वहां पर जाएंगे पैसा देकर, तो आप खुद ही सोचेगा बड़ी बड़ी पोस्टों में लेवल 10 तक के एग्जाम में जो अभी आ रही है, अगर ये वास्तविकता में ये सच होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो खुद सोचेगा कि क्या कुछ आलम होने वाला है, जो 50+ लाख देकर जाएगा वो कितना उसको नॉलेज होगा,
और कितना उसकी भूमिका अपने प्रदेश के लिए होगी, कितना अपनी देश के लिए होगी, ये खुद ही हम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और जो मेहनत का स्टूडेंट है, जो वाकई में काबिल है, और वो सड़कों पर दर दर जब भटकेगा तो सोचिएगा कि आलम क्या होने वाला है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कुमार साहब लास्ट में जाते जाते? सर, मैं सभी छात्रों से यही निवेदन करना चाहूंगा, अभी सभी छात्र, क्योंकि हमारे पास मुख्य परीक्षा 28 तारीख को है, बचे हुए मात्र 10 दिन हैं, और हम ये चाहते हैं कि एसटीएफ किसी भी तरीके से इस समय प्राथमिकता के आधार पे जो आने वाली परीक्षा जो 22 तारीख को और जो 28 तारीख को होने वाली है उसका संज्ञान लेते हुए पहले तो उनका स्थगन करे, उनकी जाँच करे, उसके बाद ही कोई परीक्षा हो। जैसे बॉबी भाई जी कह रहे थे कि 2 या 3 महीने हम आराम से वेट कर लेंगे, ये विज्ञप्ति 2021 की आई हुई है, अगस्त 2021 की आई है, आयोग ने 9 महीने फॉर्म भरने में लगाए हैं, 15 महीने मुख्य परीक्षा करवाने अभी तक का नहीं हुई है, तो हम 1 साल और वेट कर लेंगे, 6 साल हम वेट कर चुके थे, हम 1 साल और वेट कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अगर ये परीक्षा लेवल 10 की भी परीक्षा पे अगर आप इस तरीके से ही भ्रष्टाचार करेंगे तो कल एक बिल्कुल भ्रष्ट नागरिक के साथ साथ भ्रष्ट उत्तराखंड बिल्कुल ही बनेगा। हम इसलिए हमें बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने को बचाना है, बिल्कुल और वरना जिस तरीके से ना आज हम देख रहे जोशीमठ में जवानी आज पानी रिस रहा है, आज उसी तरीके से उत्तराखंड की जवानी पूरी तरीके से घिस रही है, हमें इन दोनों को बचाना अराजकता है, माहौल इसीलिए। हर जगह हो जाएगा। बिल्कुल, ये सब जी जितने भी हाँ बड़े अधिकारी हैं, सेंटर में बड़े अधिकारी हैं, उनको भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार उत्तराखंड से ऐसी खबरें आ रही है। जाते जाते आप कुछ कहेंगी जो भी मिनिस्टर हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें पहले तो सारे छात्रों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ परीक्षा देने से ही आप सफल नहीं हो जाते हैं। आप ये मत समझिए कि आपने मुख्य परीक्षा दे दी है, आपको एक तमगा मिल गया है कि मैंने आरओ का मेंस दिया, पीसीएस का मेंस दिया। हम एक्चुअली आए क्यों हैं इस दौड़ में, हम अपने जीवन को अपनी मेहनत से सफल बनाने आए हैं, ना कि धोखा खाने आए हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसमें जितने भी अभ्यर्थी हैं सब मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये परीक्षा जो है 28 जनवरी से होनी है और 31 जनवरी तक होनी है। जैसे कि पटवारी की परीक्षा निरस्त हो गई है क्योंकि परीक्षा पत्र लीक हो गया है, अगर ये परीक्षा भी लीक हो जाती है तो वो उस आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी है जो कहाँ से पैसा इकट्ठा करके ला रहा है, इतने जाड़ों में 4 दिन होटल में बिताएगा, 10-15 हज़ार रुपए खर्च करके परीक्षा देगा, उसे पता चलेगा कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, तो उससे तो बेहतर यही है कि पहले जांच हो जाए और पहले वुमेन रिजर्वेशन का जो इशू है वो क्लियर हो जाए, महिला अभ्यर्थियों के मन में जो संशय बैठा हुआ है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या सरकार हमारी अस्मिता, हमारी नौकरी, हमारी उत्तराखंड की जो महिला है जो उनकी सबसे बड़ी वोटर बैंक है, क्या उनको सुरक्षा प्रदान कर पा रही है, एक फुल प्रूफ सुरक्षा प्रदान कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। और उन लोगों से भी ये मेरी विनती है कि महिला आरक्षण के जो में कि आड़ में ये ना समझें कि हम सुरक्षित हैं, महिला को आप सिर्फ एक वस्तु ना देखें, आप ये समझें कि हम अपने भाई बंधु सब एक उसके लिए खड़े हैं, हमारे राज्य की महिलाओं के लिए खड़े हैं। और मेरा शासन से ये बिल्कुल अनुरोध है कि अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है कि हमें सुधार करना होगा, आयोग में भी सुधार करना होगा और हमें अपने विचारों में भी सुधार करना होगा। मैं दो पंक्ति से इसे खत्म करना चाह रही हूँ क्योंकि हमारा जोशीमठ दर्द से कराह रहा है, हमारा आज का युवा कराह रहा है, तो मैं ये समझ कहना चाह रही हूँ, कराह रहा था दर्द से वो भी, कराह रहा था दर्द से वो भी, कराह रहा हूं दर्द से मैं भी, क्यों आजकल हो रही है सब जगह मेरी चर्चा, यानी कि जैसे जोशीमठ और पर्चा लीक की जो चर्चा चल रही है आजकल हो रही है सब जगह मेरी चर्चा, क्यों थमा रहे हो तुम झूठे आश्वासनों का पर्चा। इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो लास्ट में जाते जाते हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जो जितनी भी सबसे पहले कोचिंग संस्थाएं हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है, उनके ऊपर भी नकेल कसी जाए और नाम सार्वजनिक किया जाए उन अधिकारियों का और उन स्टूडेंट का भी जो पेपर खरीदते हैं, पेपर बेचते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वीडियो वीपीडियो जो एग्जाम हुआ उसमें भी नाम सार्वजनिक नहीं हो पाया। क्योंकि उत्तराखंड तभी बच पाएगा जब यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ईमानदारी से वहां पर जाएंगे, और जो वाकई में मेहनती लड़का है वो जब उस सीट पर बैठेगा तो तब वो अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में सोच पाएगा। अगर भ्रष्टाचारी को आप बैठाएंगे
तो खुद सोचिएगा किस अराजकता में हम लोग जिएंगे। आज उत्तराखंड वैसे ही बदनाम है हर घटना के लिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है, नंबर वन पे हम लोग आ जाते हैं इसमें। तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए प्रत्येक परिवार से। मैं ये गुजारिश भी करूंगा, चाहे आपका बच्चा पेपर पढ़ एग्जाम की तैयारी कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदार नागरिक होने के प्रति आप लोगों का भी एक कर्तव्य है कि अगर सरकार गलत कर रही है, सरकार सुन नहीं रही है, तो आपको भी सरकार को बोलना चाहिए, आपको भी सरकार से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो असर है वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है इसमें एक जांच कमेटी बैठाएगी और सीबीआई भी इसमें एंटर करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा पर अभी ये जो धांधली है वो हो रही है, और जल्द से जल्द उनके नाम सार्वजनिक होंगे, चाहे वो स्टूडेंट हों जिन्होंने एग्जाम दिया हो पेपर जो पैसे दे के, उनका नाम भी सार्वजनिक करेगी, और जो नकल विरोधी कानून है वो भी जल्द से जल्द उस पर विचार विमर्श करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप आए थे बॉबी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।